नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 9 नवंबर 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। हिमाचल वेदर। हिमाचल में बड़ी ठंड, 5 डिग्री तक गिरा अधिकतम तापमान, इन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 11 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। जखेड़ा में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित, बच्चों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। स्वदेश मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखेड़ा में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीपीएस से विवाद, एसपी बद्दी इल्मा अफरोज छुट्टी पर, सरकारी आवास किया खाली, जाने पूरा मामला। सीपीएस व दून के विधायक के साथ चल रहे विवाद के बीच बद्दी पुलिस की एसपी इल्मा अफरोज नाटकीय घटनाक्रम में लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। बताया जा रहा है कि वह 15 दिन की छुट्टी पर गई हैं। सूत्रों के अनुसार एसपी ने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। बताया जा रहा है कि वह यहां से अपने मेडल और किताबें ली गई हैं। उन्होंने इसी साल 27 जनवरी को एसपी बद्दी का कार्यभार संभाला है। कोई जाँच नहीं हुई, सरकार को बदनाम करने की साजिश, विभाग का कोई आंतरिक मामला रहा होगा, समोसा कंट्रोवर्सी पर सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने समोसा विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत बयानबाजी है, कोई इस तरह की कोई जांच नहीं हुई है। हमें समझ नहीं आता कि यह कैसी न्यूज चल रही है और क्या इन सब के पीछे सोच क्या है। इस सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। उपलब्धि, कब कहां से डेटा लेगा उपग्रह, व्हाट्सएप पर मिलेगा अपडेट, एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट ने तैयार किया पोर्टल। नासा स्पेस एप्स चैलेंज को क्रैक कर एनआईटी हमीरपुर के भौतिकी और फोटोनिक्स विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों की टीम ने ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसकी मदद से एक ही टाइम में उपग्रह और पृथ्वी का डाटा लेने की सहूलियत शोधार्थियों और वैज्ञानिकों को मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सप्ताह में 2 दिन दफ्तरों में जन शिकायतें सुने डीसी और एसपी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सप्ताह में 2 दिन अपने कार्यालयों में बैठकर जन शिकायतों का समाधान करें। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जल्द एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को बड़ा फैसला, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पैसा देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने को राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने को बजट मुहैया करवाया है और अब आबकारी कराधान विभाग सॉफ्टवेयर की मदद से जीएसटी पंजीकरण करवाने वाली कंपनियों के आधार कार्ड की पहचान करेगा। हिमाचल में आधार ऑथेंटिकेशन के बगैर जीएसटी नंबर पंजीकृत नहीं होगा। आगामी 2 महीनों में सॉफ्टवेयर की खरीद हो जाएगी और इसके बाद आधार विभाग हिमाचल में जीएसटी पंजीकरण के लिए आने वाले आवेदनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करेंगे। दवा उद्योग को उत्पादन तुरंत बंद करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य एवं राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने मादक और मनोविकार रोधी दवाओं की अवैध बिक्री में घिरे बद्दी के एक दवा उद्योग पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दवा उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष का सियासी तंज, भ्रष्टाचार ने समोसों की हो रही जांच। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं क्या है या पूरे देश को पता चल गया है। सुक्खू सरकार के प्राथमिकता में हिमाचल प्रदेश और हिमाचलियों का हित, विकास व जन सुविधा कहीं नहीं है। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की जांच सरकार के लिए अहम नहीं है, लेकिन समोसा कांड की जांच अहम है। ब्लैकमेल कर 5 साल तक दुष्कर्म, अर्की के युवक ने सराज की युवती को बनाया हबस का शिकार। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जंजैली में एक छात्रा को ब्लैकमेल कर 5 साल तक उसका यौन शोषण किया। युवती को शादी करने का झांसा दिया गया। यही नहीं, युवती के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए गए। यह सब आरोप लगाते हुए युवती ने आरोपी के खिलाफ जंजैली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी में गौशाला में कैद हुआ तेंदुआ, अचानक दरवाजा बंद होने से फंसा, 2 भेड़ों को उतारा मौत के घाट। वन परिक्षेत्र पनारसा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत
जिला काशना के जला गांव में एक तेंदुआ गुरुवार रात एक गौशाला में जा घुसा, लेकिन तेंदुआ की गौशाला में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर गौशाला के दरवाजे को और मजबूती के साथ बंद कर दिया और इसकी सूचना वन विभाग को दी। वाइल्ड लाइफ कुल्लू की टीम ने शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और ट्रैंकुलाइजर की मदद से तेंदुए को बेहोश करके उसका सुरक्षित रेस्क्यू करके उसे जांच के लिए चिकित्सालय भेज दिया है। अटल आदर्श विद्यालयों का संचालन निजी कंपनी को देने के फैसले पर सरकार की रोक। प्रदेश सरकार ने अटल आदर्श विद्यालयों के संचालन को निजी कंपनी को देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है। पहले इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा, उसके बाद सरकार इसमें आगे कोई फैसला लेगी। मंडी नर्सिंग छात्रा की मौत पर परिजनों का विरोध प्रदर्शन, बोले हॉस्टल की चौथी मंजिल से खुद नहीं गिरी बेटी, उसे गिराया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी से न्यूज है। मंडी जिले के एक निजी नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर जान गंवाने वाली नर्सिंग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को मंडी में लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिजनों व ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अंजना की मौत सोची समझी साजिश है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर मामले की जांच करवाने की मांग उठाई है। एचपीपीएससी सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विसेज की मुख्य परीक्षा के लिए इस तारीख से शुरू होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विसेज ग्रुप पोस्ट ग्रुप सी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। सुन्नी के डडेवग में वाहन दुर्घटनाग्रस्त मां की मौत, बेटे सहित 3 घायल। शिमला जिले के सुन्नी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत डडेवग में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें 4 लोगों में से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए हैं। गगरेट में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 50.30 ग्राम चिट्टे के साथ होशियारपुर का युवक गिरफ्तार। ऊना जिला के उपमंडल गगरेट में चिट्टा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 50.30 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। एक सप्ताह के भीतर ही पुलिस ने चिट्टे की दूसरी बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। रिजोर्ट से शिफ्ट खत्म कर कमरे में पहुंचा सोलन का युवक, उठा लिया ये खौफनाक कदम। पुलिस थाना पछात के अंतर्गत एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय पीयूष पुत्र सुशील कुमार निवासी गांव सराला डाकघर चंडी तहसील कसौली सोलन के तौर पर हुई है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताजा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।